हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी के चलते चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के प्रचार करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रचार हमेशा मर्यादित रहना चाहिए। हमारी पार्टियां, हमारे मत अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कल कहीं इकट्ठे बैठना पड़ जाए तो बैठ सके। विज ने महाभारत और रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों युद्ध मर्यादा में हुए, ये भी एक युद्ध है, इसमें भी मर्यादा रहनी चाहिए। अब जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो चुनाव आयोग ने तो सब कुछ सोच के किया होगा, इस प्रकार की बातें करना तो बहुत ही ये गलत है। और मैं तो सबको कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टियाँ अलग अलग हो सकती हैं, हमारे मत मतांतर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब इस देश के वासी हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी हम इकट्ठे बैठ ना सकें, हम बात ना कर सकें, एक दूसरे की शक्ल ना देख सकें। इसलिए चुनाव अभियान करें सारी पार्टियाँ, लेकिन मर्यादा में। हमारा महाभारत हुई मर्यादा में हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया मर्यादा में किया, युद्ध होते थे मर्यादा में होते थे, ये भी युद्ध है, मर्यादा ना छोड़ी जाए, कोई मर्यादा से बाहर ना जाए। करो अभियान, बताओ लोगों को, जो भी आपने कहना कहो, जो हमने कहना हम कहेंगे, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। और अब तो जनता के सामने सारी सरकारों का, पार्टियों का कुछ ना कुछ समय राज रहा है, तो अपने अपने राज का बताओ ना क्या करा था। और जनता तुलनात्मक अध्ययन कर देगी और दुनिया वोट डाल देगी। अब तो बाजार में कोई कपड़ा भी खरीदने जाता है तो वो देखता भी पुराना किस मिल का था, चला था नहीं चला था, वो देख के फिर वो छांट के कपड़ा लेता। तो ये तो देश बनाने की बात है, तो सब तुलनात्मक अध्ययन करें कि यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही क्या था, इनेलो की भी सरकार रही क्या था, भाजपा की सरकार थी क्या था, इनों का तुलनात्मक अध्ययन करें ना, सारे देश में ऐसे ही करें। और उसके बाद कमरा बंद करके घर के सारे जीव बैठे और सोचें कि वोट का हक किसका बनता है। मुझे पक्का विश्वास है कि फैसला हमारे हक। वहीं हरियाणा के ओपिनियन पोल को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम यहां पूरी तरह तैयार हैं, जबकि कांग्रेस आज तक अपना संगठन तक नहीं बना पाई। कांग्रेस में धड़े जरूर हैं, लेकिन हुड्डा ग्रुप है, एक एसआर के टिकट देने की भी एक प्रक्रिया होती है। विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी तो मंडी लगती है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको टिकट मिल जाएगा। ये जो ओपिनियन पोल होते हैं ठीक है, मैं उनका भी वो नहीं करता हूं, वो भी एक साइंस है, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं। मैं तो सड़क पे बैठ के राजनीति करता हूँ, सारा दिन लोगों की सुनता हूँ, मुझे किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो जनता के बीच में बैठता हूँ और जनता का भाव मैं जानता हूँ। देखिए ऐसा है, अब मुकाबले में जो यहाँ पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है, 10 साल से वो अपना संगठन नहीं बना पाई, कुछ धड़े हैं भिड़ते रहते हैं आपस में, एक हुड्डा धड़ा है, एक एसआर के धड़ा है, फिर कुछ और धड़े हैं, लड़ते रहते हैं। और टिकट देने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये बड़ी सिस्टमेटिक होती है। हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रधान, वार्ड प्रधान, मंडल प्रधान, हलके का प्रधान, लोकसभा का प्रधान, स्टेट का प्रधान, हमारे तो सारा ऐसे ढांचा बना हुआ, तो हमारे तो आसान है, इनका तो कोई ढांचा है नहीं, किससे पूछें। ये तो जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी आपने देखी कभी, सब्जी मंडी में जब सुबह सब्जी आ जाती है तो आड़ती बोली लगाता है, इगड़ियों वाले आते हैं, जो ज़्यादा भाव देता है वो ले जाता है। तो ये तो बोलियां लग रही हैं, जो ज़्यादा बोल भाव कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी, इसीलिए उसमें देर लग रही है, देर लगती है। बता दें कि हरियाणा कैबिनेट से बाहर होने के बाद अपनी नाराजगी और बयानबाजी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आखिरकार भाजपा की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में अनिल विज ने बंतो कटारिया के प्रचार के लिए विजय संकल्प पत्र का आयोजन किया। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।